जो साथी थे तो वो मिले हैं, इसी को लेकर मुंबई एटीएस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और पूरी जानकारी दे रही थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर कांड का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे का एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में 10 जुलाई की सुबह मार दिया गया था। पुलिस का कहना है कि यूपी एसटीएफ की गाड़ी विकास दुबे की मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर कानपुर आ रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, बारिश होने से रोड पर फिसलन भी थी। कानपुर में एंट्री से पहले अचानक रास्ते में गाड़ी पलट गई और विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा। अब गैंगस्टर विकास दुबे का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में गैंगस्टर विकास दुबे अपने साथी अमर दुबे के साथ गैंगस्टर अतुल दुबे की शादी में डांस करते हुए दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां विकास दुबे मंदिर पहुंचा और उसने दर्शन किए। लगातार बढ़ रही कोविड मरीज